الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له आजा रेहान आजा मेरे पास आजा वना शहदु अन्न सैयदना व नबीना व शफीना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم نہایت کے قابل قدر حضرات علماء کرام نوجوانان مکڑی پیٹ اسٹیج پر موجود عمائدین شہر اور ہمارے دیرینہ اور نہایت ہی قریبی دوست حضرت مولانا تنزیل احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہ دور دراز سے سننے والی میری لاڈلی ماں اور بہنوں آج مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے
कि 1997 में जब मेरी दारुल से फरागत हुई और मैं अपनी जिंदगी की सबसे पहली इमामत की नौकरी जिस वक्त पकड़ी थी वो शहर हिंदूपुर था और वो मस्जिद मैमन मस्जिद थी और उसके वक्त मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 19 साल थी। जिन लोगों ने उस बहकती हुई खतरनाक उम्र में सबसे ज्यादा मुझे सहारा देकर जमीन से मौलाना जमील बनाया, जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर आलिम की हैसियत से तारुफ करवाया और तमाम ऊंच नीच और मेरी शरारतों को बर्दाश्त किया है, उस मुतवल्ली का नाम सिद्दीक सेठ है। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज वो एक जिम्मेदार की हैसियत से मेरे पास मौजूद है और बीमारी के बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, अपने बेटा की सूरत देखकर इसकी बात सुनते हुए एक जमाना गुजर गया, आज मैं खुद वहां मौजूद रहूंगा और आप देखिए कि वो यहां पर मौजूद है। आप तमाम लोग दुआ फरमाएं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती की दौलत अता फरमाए। मैं इस बात तक नहीं पहुंच पाया कि आखिर शहर हिंदूपुर की मिट्टी से और उसके दरो दीवार और उसकी सुबह शाम से और उसके बूढ़े हजरात और उसके जवानों से और उस शहर की मां और उसकी बेटी और बहनों से और उस शहर के बच्चों से ये कैसा प्यार है कि 30 साल गुजर गया कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। बस मेरी तो अल्लाह से बस एक ही दुआ है कि अल्लाह इस मोहब्बत को यहां से लेकर मौत तक, मौत से लेकर कब्र तक और कब्र से लेकर तेरी अदालत यानी मैदान महशर में जिंदा सलामत रखिए और इसी तरह हम लोगों को वहां भी एक मर्तबा जमा होने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हकीकत यह है और ये बिल्कुल दिल की गहराई से निकले हुए अल्फाज हैं, कोई बनावट और कोई तसन्नो नहीं है कि मैं तो एक गुमनाम इंसान था। दुनिया में अगर मेरा तारुफ कराया तो वो शहर हिंदूपुर है, दुनिया में जिसने मेरी पहचान बचाई बनाई वो मैमन मस्जिद है और दुनिया में जिसने मुझे मुतारफ कराया, आज यूट्यूब की दुनिया पर आप देखते हो तो कहते हो ये मेरी मस्जिद का इमाम व खतीब रह चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का कोई शहर, कोई स्टेट, कोई रियासत और कोई शहर बचा नहीं है जहां पर आपकी दुआ का असर नजर ना आता हो और आपका ये खादिम जिसने 14 साल तक आपकी खिदमत किया वहां पहुंचा नहीं। लेकिन यहां आकर इस छोटे से प्रोग्राम में जो खुशी महसूस होती है अल्लाह जानता है, हिंदुस्तान में कहीं और महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपना घर छोड़कर परदेसी हो गया। और जिस वक्त हिंदूपुर की सरजमीन पे कदम रखता हूं अल्लाह गवाह है कि वो 19 साल वाली शरारतें, वो उम्र, वो खेलना, वो कूदना
और वो बड़े बूढ़े लोग जो तमाम गलती को जानते हुए भी सर के ऊपर मोहब्बत का हाथ रखकर कहते थे, बेटा घबराना नहीं, अपना काम करो। वाह, आपकी इस मोहब्बत का बदला बस अल्लाह दे सकता है। मेरी झोली में कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। अल्लाह आप सबकी मगफिरत फरमाए और अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को और आपके इस प्यार को सलामती अता फरमाए, आपकी उम्रों में, आपके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, आज फिर एक मर्तबा मुझे अपने अपने बाप की याद आई जब सिद्दीक शेख ने मुझे खड़े होकर गले से लगाकर ये कहा, बेटा कैसे हो। मैं किस अल्फाज में और किस तरह से अपने जज्बात का इजहार करूं कि आज से ठीक 1.5 साल पहले इसी मार्च के महीने में बेटा कहने वाला मेरा बाप दुनिया से गया था, आज ठीक 1.5 साल के बाद किसी ने फिर कहा कि बेटा कैसे हो। पता ये चला कि बूढ़ा दरख्त चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, अल्लाह की कसम काटो मत, इसलिए कि धूप से बचने के लिए काम आए। वो साया तुमको जरूर देगा, चाहे फल दे या बूढ़े दरख्त की कभी भी बेहुर्मती मत करना। बूढ़ा समझकर कभी अपने बाप को ठोकर मत मारना, वरना रब्बे काबा की कसम उस बेटे से पूछो जिसके बाप का साया उसके सर से चला गया हो, आज वो खुद को कितना अकेला महसूस करता है। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, रमजान मुबारक का जब ये मुकद्दस महीना आता है तो मेरी खुशी अपने मेराज तक पहुंच जाती है कि फिर मुझे अपनों के बीच में जाकर के मिलने का, मिलाने का, सुनने का, सुनाने का मौका मिले। मस्जिद रफीक के मुतवल्ली साहब ने, जिम्मेदारों ने पहली मर्तबा एक फरमाइश किया कि मौलाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्नो जमाल और आपकी खूबसूरती पर अगर बात हो जाए तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा मजा लेने के लिए तकरीर करवाओगे? कहानी मौलाना वो बोल दिया। मैंने कहा इसीलिए तो मेरे नबी ने कहा था ना, कम बोलो बच जाओगे, ज्यादा बोलोगे फंस जाओगे। तो आप सारे लोग पैगंबर आजम के हुस्न, आपकी खूबसूरती का तस्करा सुनना चाहते हो? इतनी हल्की आवाज में तो नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर कहो इंशाल्लाह। और जितनी मर्तबा लफ्ज मोहम्मद आए, क्या है, उतनी मर्तबा कहना सल्लल्लाहु। वो आदमी ना कहे जिसके मुंह में तंबाकू रखा है, और वो आदमी भी ना कहे जिसके मुंह में गुटखा रखा है, वो आदमी भी ना कहे जो बीड़ी पीकर के बैठा है, वो आदमी भी ना कहे जो सिगरेट पीकर बैठा है। क्या मैं आपका दुश्मन हूं? इसलिए कह रहा हूं कि बीड़ी गुटखा सिगरेट पीने वाला नबी पे दुरूद भेजता है तो सवाब तो मिलता नहीं, पिटाई बहुत होती है। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी का नाम इतना पाक है कि 100 मर्तबा अगर मुश्क अंबर से कुल्ली करो और फिर मेरे नबी का नाम लो, फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं नबी की बेअदबी ना हो जाए। तो बदबूदार मुंह में अगर दरूद पढ़ोगे तो नबी को तकलीफ होगी नहीं है? इसलिए जबान से मत कहो। अगर कोई बैठ गया हो बस दिल में आहिस्ते से कह लेना, दिल ही दिल में सल्लल्लाहु। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, हजरत आदम अलैहि सलातो व सलाम का जब इंतकाल होने लगा तो हजरत आदम के सबसे पहले बेटे का नाम है शीश। क्या नाम है? सबसे पहले बेटे का नाम क्या है? शीश। जनाब वाला आपन डोर मत करो, देखो जो जहां वहीं बैठो,
शीश नाम। जब आदम अलैहि सलातो व सलाम का इंतकाल होने लगा तो हजरत शीश को बुलाया, बेटे इधर आओ। आपके अब्बा भी बुलाते होंगे ना, कितनी मर्तबा बुलाने के बाद आप आते हो, गला सूख जाता है उसके बाद आए, ये गलत है या सही है? और तुम्हारा छोटा वाला बेटा देख रहा है सब कि दादा को बुलाए घंटा हो गया, मेरा बाप अब तक नहीं गया। जब तुम दादा बनोगे ना, तुम भी अपने इसी बेटे को बुलाओगे तो नहीं आएगा। हजरत शीश को बुलाया, फरमाया बेटे जब भी किसी मुसीबत में पड़ो, जब भी किसी परेशानी में पड़ो, जब भी किसी बीमारी में पड़ो, जब भी कोई परेशानी का मसाला आ जाए तो मैं सारी मुसीबत से बचने की एक दुआ बताता हूं, वो दुआ पढ़ लेना, मुसीबत दूर। क्या होगी मुसीबत दूर? अब्बू बताइए ना कौन सी दुआ है? तो अब्बा ने कहा जब भी मुसीबत आए तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ लेना, अल्लाह मुसीबत दूर कर दे। अच्छा ये बताओ कि जिस वक्त ये नसीहत हजरत शीश को की जा रही थी उस वक्त मेरे नबी पैदा हुए थे? अरे इसमें भी कोई डाउट है क्या? हैं? नींद आ रही है तो फिर बराबर का साथ दोगे तभी मजा आएगा ना। उस वक्त मेरा नबी पैदा हुआ है? नहीं। तो हजरत शीश ने कहा अब्बा सारी कायनात के इंसानों में सबसे पहले आप हो, पहले इंसान आप हो, फिर ये मोहम्मद कौन है जिसका आप नाम ले रहे हो? अब जवाब सुनो मेरे अब्बा ने क्या कहा। अरे यार छोड़ दो ना, जो जाम में बैठ जाओ ना, अल्लाह का वास्ता दे के बोल रहा हूं, खुदा के वास्ते कुछ मत कीजिए आप लोग, बिल्कुल खामोशी के साथ बैठो, जाओ वही बैठ जाओ आराम से, कुर्सी चाहिए बोलो मैं खड़ा हो जाता हूं, वैसे ही मारा मारी कुर्सी की हो रही है खाना खाना। देखो बिगड़ गई नहीं बात, कहा कि सबसे पहले इंसान को अब्बा आप हो, तो ये मोहम्मद कौन है? अल्लाह अकबर और कबीरा, हजरत आदम अलैहि सलातु व सलाम का जवाब सुनो। नबियों के अब्बा, सारे इंसानों के अब्बा, अल्लाह ने जिसे अपने हाथ से पहली फुर्सत में बनाया वो हजरत आदम। कहते हैं बेटा तेरा सवाल तो ठीक है लेकिन तू जानता है मैं जन्नत से निकल कर आया हूं, तू यकीन करता है मैं जन्नत देख कर आया हूं, मेरे लगते जिगर है मेरे रब की कसम है जन्नत का कोई मकान ऐसा नहीं और उस मकान की कोई ईंट ऐसी नहीं जिस पे लफ्ज मोहम्मद ना लिखा हो। हर ईंट पे मोहम्मद लिखा है, फरमाया कि जन्नत का कोई दरख्त ऐसा नहीं जिसके पत्ते पर लफ्ज मोहम्मद ना लिखा हो। फरमाया मेरे लगते जिगर नूरे नजर में क्या बताओ, अरे जन्नत की कोई नहर ऐसी नहीं जिस नहर के पानी पर लफ्ज मोहम्मद न लिखा हो। फरमाया मेरे लगते जिगर इससे भी बड़ी बात मैं कहता हूं, अगर वो मोहम्मद न होता, अगर उसका नाम होता, अगर उसको पैदा करने का अल्लाह ने इरादा
शीस अलैहिस्सलाम बिल्कुल खामोश हो गए। और ये तो वहां की बात है, हिमालय का नाम तो सुना होगा ना आपने, हिमालय सुना है ना। आज भी हिमालय की चोटी पर एक दरख्त है मौजूद जिसके पत्ते कान है, हाथी के कान के बराबर है। पूरे दरख्त के ऊपर एक पत्ते पे एक तरफ अल्लाह लिखा है, एक तरफ मोहम्मद लिखा है, वो आज भी मौजूद। अब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतने बड़े हों, अब ये कुछ छोटे मोटे पालतू कुत्ते गली वली में घूमते हुए उसकी शान में अगर गुस्ताखी करे तो क्या होगा? अरे कुछ होने वाला है। फरमाया जब भी मुसीबत आए, जब भी परेशानी आए तो मेरे लगते जिगर किसी मुल्ला की तावीज मत लेना। अंत गुरु घुमंत गुरु तंत गुरु न जाना इनके पास। तुझे ये है, तुझे वो है, तुझे वो है, तुझे वो है, ये सब ढकोसले की हांडी है, याद रखो। मेरा नबी आया नहीं मगर आदम का अकीदा है कि दरूद पढ़ने से मुसीबत दूर होती है। हमारा अकीदा यह है कि जब तक के लोबान ना जलाओ, अगरबत्ती ना जलाओ, मोमबत्ती ना सुलगाओ, ताला ना डालो, तावीज ना पहनो, नींबू ना काटो, जब तक मसला बनेगा ही नहीं। इसीलिए तो खुद को मुसलमान कहने वाला भी अपनी लारी को घर से नहीं निकालता जब तक चारों चक्का के नीचे नींबू ना डाल दे। बहुत पिटाई होगी ऐसे लोगों की, कुटाई कयामत के दिन। अल्लाह कहेगा जमीन चीख चीख कर कहता था रमजान के महीने में, सुना नहीं, समझ में बात नहीं आती थी, पागल हो गया था। अरे गाड़ी के इस स्टीयरिंग पे बैठ और ये मेरा दावा लिख के ले जा, गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, खुदा की कसम अगर तेरी गाड़ी को नुकसान हुआ मुआवजा मैं दूंगा, मैं दूंगा तुझे मुआवजा, तेरा नुकसान मैं भरूंगा। ईमान मजबूत करो, अकीदा मजबूत करो। जब तक ईमान मजबूत करोगे नहीं उस वक्त तक काम तुम्हारा बनेगा नहीं। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का मुजस्समा बनकर तैयार है, अल्लाह ने रूह डाला। आदम के हाथ हिलने लगे, पांव हरकत करने लगा, आंख चलने लगा, जबान बोलने लगी, दिमाग काम करने लगा। अल्लाह मियां को सलाम किया, इलाही सामो। जब आदम में जान आ गया क्या हुआ? अरे बोलो ना, इशारा नहीं किया है क्या? अब तो समोसा खा के बैठे हो, अब क्या हमारी जान खाओगे? जब जान आई, जबान हिलने लगी, आंख में रोशनी आई तो कहा अल्लाह पाक को सलाम अलैकुम। क्या कहा? अल्लाह पाक ने फरमाया वालेकुम सलाम। फिर हजरत आदम ने दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ, अरे ये सब क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया आदम जरा ऊपर भी तो देखो। क्या कहा? ऊपर देखो। और ये बात अल्लाह से जो हो रही थी कहां हो रही थी? हिंदूपुर में। अरे भाई तीन आसमान के ऊपर, चौथे आसमान के नीचे, कुल कितने आसमान हैं? सात है ना, तो चौथे के नीचे तीसरे के ऊपर ये बात हो रही थी। अल्लाह ने फरमाया आदम जरा आंख उठाइए।
हजरत आदम ने जो आंख उठाया तो देखा ग्रीन कलर का बड़ा सा पर्दा है, इतना बड़ा पर्दा कि गर्दन घुमाकर भी हजरत आदम ने देखा तो पर्दा खत्म, बहुत बड़ा पर्दा। और पूरे पर्दे पे लिखा था क्या, बोलो ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा पर्दा जो था वो बनाया किसने, बोलो कलमा लिखा किसने, तो फिर बताओ वो कितना खूबसूरत लग रहा होगा पर्दा। और जब मेरे रब ने खुद अपने हाथ से लफ्ज मोहम्मद लिखा होगा तो कितना मजा आया होगा। आदम अलैहि सलाम ने यूं देखा, सैयदना आदम को भी मजा आने लगा, गौर से देखने लगे, खूब दिल भर करके देखने के बाद नजर को झुकाया तो अल्लाह से पूछा, अल्लाह आदम तो पहला मैं हूं ना, इंसान पहला, मगर ये मोहम्मद आपके नाम के साथ कौन है, जब पहला इंसान मैं हूं तो नाम भी मेरा होना था ना, ये मोहम्मद कौन है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, आदम किसी खुश फहमी के शिकार ना बनो, अगर ये मोहम्मद ना होता तुझे पैदा क्यों करता। फरमाया मेरे आदम गौर से सुनो, इसी मोहम्मद को दुनिया में लाना है, इसी की तैयारी के लिए मैंने आसमान को बनाया, फिर आसमान को मैंने चांद तारों से सजाया, इसी आदम को लाने के लिए मैंने जमीन को बिछाया, फिर जमीन को मैंने पहाड़ों से सजाया, फिर मैंने दरिया और समंदर को बहाया, अगर मेरा ये मोहम्मद ना होता ना आसमान होता ना चांद होता ना सूरज होता ना जमीन होती ना दरिया होता ना पहाड़ होते ना कंतर होते ना फूलों में खुशबू होती। फरमाया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ना होते ना, और अगर इनको मुझे दुनिया में लाने का इरादा ना होता तो मेरे किबरियाई की कसम मैं गुलाब को हुस्न नहीं देता, मैं गुलाब में खुशबू, अरे बोलो भाई, हाँ मुगरे की कली के अंदर मैं खुशबू नहीं देता, और हिरन के नाक में मुश्क को मैं हीरे पैदा नहीं करता, जवाहर पैदा नहीं करता, आसमान को मैं नहीं सजाता। ये तो मोहम्मद का सबका है कि मोहम्मद को लाना है, इसलिए आदम तुझे भी पैदा करूंगा, नूह को भी पैदा करूंगा, यूसुफ को भी पैदा करूंगा, याकूब को भी पैदा करूंगा, खलील को भी पैदा करूंगा, जिब्रील को भी पैदा किया, मूसा को भी पैदा किया है, ईसा को भी पैदा करूंगा। अगर मोहम्मद को पैदा करना न होता मैं दुनिया को बनाता ही नहीं, किसकी उम्मत हो, किसकी उम्मत हो, और कर क्या रहे हो। खैर इस पर मैं बात नहीं करता, वो कभी और। श्रीलंका में उतारा, वो श्रीलंका जो पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था, आप जानते हो हिंदुस्तान कितना बड़ा था, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब इंडिया में था। तो पहले जिस वक्त श्रीलंका हिंदुस्तान का हिस्सा था उस वक्त अल्लाह ने हिंदुस्तान के अंदर हजरत आदम को उतारा है, और हजरत हव्वा को कहां, मक्के में जबल रहमत के पास। और यहां उतरने के बाद हजरत आदम का काम क्या था, 24 घंटा रोना 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 रोना। क्यों, इसलिए कि जन्नत देखकर आ गए थे। कहां से भाई, अगर एसी रूम में रहते हो
एसी में रहते हो और ये धूप काले के जमाने में अगर मकान वाला कहे भाई कमरा खाली करो तो बताओ दूसरे घर में जाकर आपको नींद आएगी आएगी? तो जन्नत से निकाले गए तो दुनिया में आए तो देखा अरे यार यहाँ तो धूप है, सूरज है, गर्मी है, ठंडी है, बारिश है, खुशबू है, बदबू है, तो हर वक्त अब इन लोगों से आप पूछिए कि तुम लोग तकलीफ क्या क्या सुन रहे सुने हो अब तक, ये पूछो आप इनसे अभी पता चल जाएगा। जन्नत से बहरहाल उतारे गए और उसके बाद उनका काम था बस इस्तग़फ़ार करते रोते रहते, इस्तग़फ़ार करते और यहां तक के अल्लाह का हुक्म आया। अल्लाह का क्या हुक्म आया कि आपकी तौबा उस वक्त तक कबूल नहीं करूंगा जब तक के मेरे मोहम्मद पर आप दुरूद नहीं पढ़ोगे। आप बोलो ना दुरूद। पता ये चला कि गुनाहों को माफ करवाने के लिए दुरूद का पढ़ना जरूरी है। मौलाना रशीद अहमद गंगोही की खिदमत में एक आदमी आया और आकर कहने लगा मौलाना आपकी तमाम किताबों में मैंने देखा है कि पहले इस्तग़फ़ार फिर और अकादरी ने दोबंद की तमाम किताब में यही लिखा कि पहले इस्तग़फ़ार पढ़ना है उसके बाद दुरूद पढ़ना है। मेरी समझ में बात नहीं आ रही, दुरूद पहले क्यों नहीं, इस्तग़फ़ार पहले क्यों? मौलाना ने क्या प्यारा जवाब दिया, देवबंद तो देवबंद है ना, देवबंद तो मौलाना ने फरमाया कि भाई ये बताओ कि पहले कपड़ा धोते हो या पहले इत्र लगाते हो? पहले कपड़ा धोते। अरे हिंदूपुर में इत्र लगाने के बाद मशीन में डालते हैं कपड़ा धो गया। पहले हाँ, ये छोटी छोटी मिसालें याद कर लोगे ना फिर जमात में जाओगे अल्लाह के रास्ते में। अब तो तुम लोगों ने छोड़ दिया है जमात में जाना, बहुत अच्छा काम किया। मरो अल्लाह के पास आओ फिर पता चलेगा। जब अल्लाह पूछेगा ना कि क्या अमीर साहब आदत डलवा करके चिल्ला चार महीने का तकिया लगा के सो गए थे, तब कहना कि अल्लाह मियां झगड़ा हो गया था, दो पार्टी बन गया था, हम क्या करें? अल्लाह कहेंगे अब आओ हम चार पार्टी तेरी बनाते हैं। कीमा बनाएगा अल्लाह ठोक ठोक के, खूब मजे लो। न तीन दिन जाना, न मस्जिद वाली जमात, न हफ्ता वाली जमात। वो चिल्ला भी गया, वो चार महीना भी गया, वो मस्जिद की जमात का बैठना, वो बातें करना भी गया, वो हफ्तावारी गश्त भी खत्म हो गया, वो हफ्तावारी इस्तमा भी गया। जब मेरी मौजूदगी में मैं मरकज में था, अल्लाह की कसम इतवार का इंतजार होता था जैसा लगता कि ईद का दिन आ गया। वो क्या खाना बनना, वो क्या जमातों का आकर दस्तरखान बिछाना, वो क्या बुला करके लाना, आय हाय बहुत गलत कर रहे हो। अल्लाह के वास्ते इस सूखे हुए दरख्त को पानी डालकर अपनी कुर्बानी का जिंदा करो। देखो वादा करो मुझसे, पूरे हिंदुस्तान में शहर हिंदूपुर का नाम अव्वल नंबर पे आता था मौलाना, अव्वल नंबर पर। कलकत्ता मरकज, बंबई मरकज, दिल्ली मरकज, पंजाब मरकज, हरियाणा मरकज, उड़ीसा मरकज, राजस्थान मरकज, जहां मरकज में जाओ हिंदूपुर की जमात है तो बस पता नहीं किस जालिम की नजर लग गई आपको, आप लोग यहां आकर के बैठ गए। क्या हालत होगी इन नौजवान बच्चों की, क्या होगा इस नस्ल का? ये
ہے, بہت غلط بات ہے, اچھی چیز نہیں. آپس کے جھگڑے کو اختلاف کو بھلا کر ایک مرتبہ پھر اٹھو, آپ اپنی انا کو قربان کرو. میں کچھ نہیں ہوں, میں صرف ناپاک قطرے سے بنا ہوا ایک گندا انسان ہوں. اپنے دل میں یہ پیدا کرو اور دین کا جذبہ اور اس کی قربانی کا جذبہ لے کر ایک مرتبہ پھر کھڑے ہو جاؤ, شہر ہندو پور پھر وہیں پہنچے, ورنہ یہ نسل اللہ کی قسم برباد ہو جائے. ان کو غسل کے فرائض تک یاد نہیں, کلمہ بھول جائیں گے. مولانا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ, پہلے کپڑا دھویا جاتا ہے یا پہلے عطر لگاتے ہو؟ کہا کہ حضرت پہلے کپڑا دھوتے ہیں, جب کپڑا صاف ہو جاتا ہے پھر عطر لگاتے ہیں. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ناپاک ہیں, اسی لیے پہلے توبہ کے پانی سے زبان کو صاف کرو, پھر میرے نبی پر درود کا عطر لگاؤ. زبان پاک ہوگی پھر درود پاک کا مزہ آئے گا, پھر درود پاک کو اللہ پاک قبول فرمائے گا. فرمایا, آدم جب تک کہ تم میرے نبی پر محمد پر درود نہیں پڑھو گے میں تمہاری توبہ قبول. اس لیے اگر چاہتے ہو کہ اللہ گناہ کو معاف کر دے تو کثرت سے درود پڑھا کرو, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے جہاں بھی رہو وہاں پر کیا کرو, پاک صاف ہو کر کے عطر لگا کر کے, داڑھی میں عطر لگاؤ, ٹوپی میں عطر لگاؤ, چہرے پہ عطر لگاؤ اور پھر پڑھو اللہم صل علی محمد, بس اتنا پڑھ لو کافی. آدم علیہ السلام نے درود پڑھا, اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک, پورا درود پڑھا ہے. اس کے بعد جا کر کے حضرت آدم کی توبہ قبول. بہرحال آدم علیہ السلام نے پوچھا, یہ کون ہے, کس کا نام ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, یہ محمد ہے جس کے صدقے میں آپ کو پیدا کیا. فرمایا, یہ محمد ہے جس سے لے کر میں نے ساری دنیا کو حسین بنایا. یہ محمد نہ ہوتے میں چاند کو حسین نہ بناتا, یہ محمد نہ ہوتے میں ستاروں کو چمک نہ دیتا, یہ محمد نہ ہوتے میں چاند میں روشنی نہ دیتا, یہ محمد نہ ہوتے میں پھولوں کو حسن نہ دیتا, خوبصورتی نہ دیتا. ساری دنیا سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کس کو بنایا؟ نیند آ رہی کیا؟ بولو نا, کس کو بنایا؟ اتنی زور سے بولو, اتنی زور سے بولو کہ ودھان سدھا تک آواز جائے اور پورے شہر میں آواز گونجے کہ محمد کا غلام اکٹھا بیٹھا ہے تاکہ پھر آج کے بعد کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی ہمت نہ کرے. ساری دنیا سے زیادہ اللہ نے کس کو حسین بنایا؟ زور سے بولو. کتنا حسین معلوم آپ کو, کتنا حسین بنایا؟ نبی کا ایک صحابی ہے جس کا نام حدیث میں آتا ہے ابن مرارہ. کیا نام ہے؟ ابن مرارہ. اپنے گھر سے نکلے,
रात के 11 बजे, कितने बजे, और महीना चल रहा था उर्दू के एतबार से 15वीं तारीख थी चांद की, किसकी, और चांद की जब 15वीं तारीख हो तो चांद गायब रहता है ना। देखो सब कह रहा हूं भाई, चांद की जवानी की रात है वो, कैसी है चांद की जवानी की, इसीलिए 14वीं में पूरा चांद होता है मुकम्मल, कितना, और कहां पे होता है मालूम, बिल्कुल आसमान के बीच में हमारे सर के ऊपर होता है एकदम। तुम जहां भी खड़े रहोगे ना, लगेगा हमारे सर पे चांद है। 14वीं का 12 बजे रात तक, कब तक, 12 के बाद फिर वो ढलना शुरू होता है। तो 11 बजे रात में इब्ने मुरारा अपने घर से पहुंचे, कहां, मस्जिद नबवी में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सितारों के बीच में बैठे हुए थे, किसके, किसके, कौन सितारा, सहाबी, अबू बकर, उमर, अली, उस्मान, अबू हुरैरा, अबू जर गफारी, अबू सईद खुदरी, और कौन, कौन के मौलाना हम नाम वाम नहीं जानते। कोई एक बंदा खड़ा होकर 20 सहाबी का नाम सुना, कितने का, 20 सहाबी का, 100 रुपया इनाम दूंगा मेरी तरफ से, है, अरे बोलो है कोई 20 सहाबी का नाम सुना दे। चलो मैं 200 सहाबी का नाम सुनाता हूं, क्या इनाम दोगे मुझे बोलो। कहो मौलाना ये हमारी पुरानी आदत है ना, हम देते हैं ना लेते हैं। तो तमाम सितारों के बीच में आमना का चांद बैठा है, अब्दुल्ला का चांद बैठा है। मैं इशारा जो कर रहा हूं आप समझ रहे हो ना, नबी की अजमत और उसकी शान में जब इशारों में बात होती है ना तो मजा आ जाता है। क्या होता है, अरे बोलना भाई, हाँ, महबूब की बात जब महबूब की जबान से हो, महबूब की बात जब महबूब कर रहा हो तो इशारे में मजा, इशारे में क्या होता है, महबूब की बात जब महबूब कर रहा हो तो इशारे में, हाँ, इस छत पर आप खड़े हो, उस छत पर वो खड़ी हो, माशाल्लाह, कितनी जल्दी समझ में आई बात, शाबाश, तरक्की में हो, तरक्की हो रही है आपकी धीरे धीरे। तो इशारों में जो बात होती है उसका मजा और होता है, और जब वही बिल्कुल करीब आकर के खड़े हो जाए तो मजा नहीं आता बात करने, है नहीं, बेशक है नहीं। आप कहो कि मौलाना ये हम लोग नहीं जानते, ये आप जैसे बदमाश लोग करते होंगे, हम नहीं जानते, हम तो बहुत शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने चांद तारों के बीच में सहाबा तारे हैं पैगंबर के, और मेरा नबी 14वीं का चांद है, बीच में बैठा है, और सर के ऊपर आसमान का चांद निकला हुआ है, कहां, ऊपर आसमान का चांद है, नीचे आमना का चांद बैठा है। इब्ने मुरारा कहते हैं ना, मैं सामने के दरवाजे से आया, मस्जिद नबवी के सामने से आया, अल्लाह अकबर, नीचे से लेकर ऊपर तक रोशनी ही रोशनी, मैं गेट पे खड़ा हो गया, कहां, मस्जिद के गेट पर खड़ा हो गया, और कहते हैं कि मैंने सोचा कि आज फैसला करके रहूंगा आसमान का हुस्न ज्यादा है या आमना के चांद का हुस्न ज्यादा है, कौन ज्यादा खूबसूरत है वो देखना चाहता हूं। इब्ने मुरारा कहते हैं, मैं कभी आसमान के चांद को देखता था, कभी अब्दुल्ला के चांद को देखता था, घंटा गुजर गया, फैसला नहीं कर पा रहा था कौन ज्यादा खूबसूरत है, कौन ज्यादा हसीन है। इब्ने मुरारा कहते हैं, आखिर में मुझे फैसला करना पड़ा,
حضرت ابن مرارہ نبی کا یار کہتا ہے میں نے آسمان کے چاند کو غور سے دیکھا تو اس میں داغ نظر آیا. آسمان کے چاند کو غور سے دیکھا اس میں مجھے داغ نظر آیا لیکن کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے جب آمنہ کے چاند کو دیکھا کہیں پر کوئی داغ نہ تھا. پھر میں نے کہا او چاند ایسا لگتا ہے کہ میرے محبوب سے حسن مانگ کر اللہ پاک نے تجھے حسین بنایا. اور اے آسمان کا چاند تیرا حسن بھی میرے نبی کے حسن سے قرض لے کر دیا گیا ہے, تو میرے نبی کے تلوے کے برابر بھی حسین نہیں ہو سکتا ہے. اور سنو گے کتنے حسین تھے میرے نبی. بھائی تھک گئے آپ لوگ تو یار زندہ ہو آپ ثابت تو کرو کہ میں زندہ ہوں, ہندوستان میں بیٹھا ہوں قبرستان میں نہیں ہوں. اور سنو گے حضرت اما عائشہ کہتی ہیں, اور یہ عائشہ کون ہے؟ یہ نبی کی بیوی, اور بیوی جلدی اپنے شوہر کی تعریف کرتی نہیں ہے, یاد رکھنا یہ بات. چاہے وہ شوہر جمیل مولانا ہو اور چاہے وہ شوہر آپ ہو, کوئی بھی ہو, بیوی تعریف کرنے والی نہیں ہے. میری بیوی تو میری اتنی بھی تعریف نہیں کرتی ہے جتنا یہ بچہ کرتا ہے. ہاں کیوں نہیں کرتی معلوم؟ آپ نے فقط ہم کو دیکھا ہے چار گھنٹے سے. کتنی دیر سے؟ گاڑی سے اترے تھے, جینٹنگ پینٹنگ سب کچھ کرا کر کے آپ کے سامنے آئے. اب بیوی بیچاری 24 گھنٹہ دیکھتی ہے, رات دن دوپہر کھانا پینا دسترخوان نماز روزہ حج زکات سب دیکھتی ہے نا, تو اس کے پاس جو ہے نا پورا بایو ڈاٹا ہے, اس لیے نہیں مانتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور جس کی بیوی مان گئی, نبی نے کہا کہ وہ سمجھ لے کہ دنیا میری جنت ہے. بیوی جس کی مان لے اپنے شوہر کو, دنیا اس کی بولو جنت ہے. کیا ہے؟ جنت ہے. آپ سب کی جنت ہے نا, کسی کی جہنم تو نہیں ہے. اور جہنم اگر کبھی ہو بھی جائے تو تعویذ وویل مت پلانا بیوی کو, ورنہ اور ریورس ہوگی. بتا دے رہا ہوں میں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا, جب وہ ایک پڑک دیں گے اٹھا کر کے تم کو. زیادہ سے زیادہ کیا کرنا, اگر بدماش بیوی مل گئی ہو تو اتفاق کی بات. فرمایا کہ جب وہ سو جائے نا نیند میں ایک دم فراٹے مارنے لگے تو فرمایا کہ اس کی پوشاک, اس کی پیشانی کا چار بال پکڑو. کتنے؟ اور چار بال پکڑ کر کے 7 مرتبہ درود شریف پڑھو اور آہستہ سے اس کے منہ پر پھونک دو. زور سے پھونکو گے آنکھ کھل گئی تو سمجھے کہ مارنے آیا ہے. نہیں اب بال بھی آہستہ سے پکڑنا, زور سے اگر کھینچ لیا نا گئی تیری رات پوری. لاکھ تم سمجھاؤ کہ بھائی درود پڑھنے کے لیے نا, مارنے کے لیے بال کھینچا ہے نا, تو آہستہ سے بال پکڑنا, 7 مرتبہ درود پڑھنا, آہستہ سے دم کر دینا, انشاءاللہ اس کے بعد جو آپ کی بیوی اٹھے گی تو مولانا جمیل کو یاد کرو گے. آپ ضرور یاد کرو گے مولانا, آپ نے اچھا وظیفہ. بہت ہوتی ہے بدماش بھی ہوتی شریف بھی ہوتی, تو بدماش کو شریف بھی تو کرنا ہمارا کام ہے نا. اللہ نے ہم کو مرد بنایا, داروگا بنایا, اور اس کا علاج یہ تھوڑی ہے وہ ایک گالی دے تو 14 گالی دے دے, یہ علاج نہیں ہے. پیار سے سمجھاؤ, محبت سے سمجھاؤ. ہر ایک کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے, کمزوری ہوتی ہے,
इसका ये मतलब नहीं तलाक तलाक तलाक, ये हल नहीं। बहरहाल तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आपकी लाडली बीवी है अम्मा आयशा। कौन है? आयशा। कहती हैं कि एक मर्तबा मैं गई और मुझे कपड़ा सीना था, तो अपनी सौतन से यानी हजरत हफ्सा से, किसे? मैं सुई लेकर के आई। आर्यतन, आर्यतन का मतलब होता है काम करके दे देंगे। क्या करेंगे? जैसे आपने मुझसे कलम लिया, मौलाना लिख करके दे देंगे, इसको क्या कहते हैं? आर्यतन कहते हैं। नहीं मानोगे तुम? तो हजरत आयशा कहती है कि मैंने आर्यतन उनसे सुई ली कपड़ा सीने के लिए और लेकर के घर आ गए। गौर करना, सुई किसकी है? सौतन की है। किसकी? लेकर के आई तो कहती हैं कि कपड़ा सिलते सिलते वो सुई मेरे हाथ से गिर गई और घर में अंधेरा था। क्या था? अब तो मुसीबत आ गई यार, सुई है किसकी? सौतन की। जवाब दो ना, अगर नहीं मिला तो क्या होगा? बवाल पक्का। कहती हैं कि मैं परेशान हो गई, चारों तरफ मैंने घर के अंदर ढूंढा मगर वो मिली नहीं। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया, किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने अंदर से कहा, मन कौन? क्या कहा? मन कौन है? तो दरवाजे से आवाज आई, खुमैरा दरवाजा खोलो। अम्मा कहती हैं कि मैं समझ गई कि मेरा महबूब खड़ा है। कौन है? नबी ने क्या कहा? बोल भाई, मुंह तो खोलो, गुटखा खा खा के मुंह जाम हो गया है। क्या कहा? मैं कुछ ऐसा मत करो भाई, जहां सीटिंग है वहीं रहने दोस्तों। क्या कहा? हुमैरा। नाम क्या है? आपको पूछनी चाहिए कि मौलाना नाम तो आयशा है तो नबी ने हुमैरा क्यों कहा? और आलिम बैठे मौलाना तंजील से पूछो, पूरी जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी अम्मा आयशा को अपने किसी काम के लिए पुकारा है तो आयशा कहकर के नहीं बल्कि हुमैरा कहकर पुकारा। क्या कहकर? नबी के अलावा आपको हुमैरा कोई और नहीं कहता था, ना अबू बकर ना उमर, कोई। ये नाम सिर्फ किसका था और किसने पुकारा? बोल भाई, नबी ने। यहां से क्या पता चला कि नबी की तमाम सुन्नतों में एक सुन्नत यह भी है कि सारी दुनिया तेरी बीवी को जिस नाम से जानती है तो उस नाम से मत बुला, बल्कि अपनी तरफ से स्पेशल कोई नाम दे दे। ये नबी की सुन्नत है। पॉइंट नोट किए? कर लिए? कल से यहां पर जितने बैठे हो सबके बीवी का नाम बदला होनी चाहिए। अरे हंसने की कौन सी बात है? अजीब बेवकूफी है, हंसने की बात है? बाजार वाली को तो बहुत नाम देते हो, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक में, और कौन कौन बुक में बाजार वाली को 14 नाम दे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, संडे को अलग नाम, मंडे को अलग नाम, गुस्सा हो गई तो अलग नाम, बहुत हंसने लगी तो अलग नाम, जबकि ये सारा नाम देना हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। और बीवी को अगर नया नाम दोगे ना इंशाल्लाह कल से, ये वो लोग इंशाल्लाह बोल रहा है जिसकी अगर निकाह भी नहीं, जिसका अभी निकाह, अरे जिसका निकाह हो चुका है वो बोलो, अपनी तरफ से अपनी बीवी को मोहब्बत से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ एक नाम जरूर देना। इससे क्या फायदा होगा मालूम?
आपकी बीवी के दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ेगी और वो स्पेशल नाम होगा जो आप बुलाओगे। बूढ़ा आदमी भी दे सकता है, जिसकी एक है वो भी नया नाम रखे, जिसकी दो है वो भी, और जिसकी चार है वो भी रखे अलग अलग नाम, और सुन्नत समझ के रखे। क्या समझ के? सुन्नत समझ के रखे तो क्या होगा, मौत तक सुन्नत का सवाब मिलता रहेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं कुछ? कल से इंशाल्लाह। और कैसा नाम देना? अच्छा सा नाम देना, गलत मतलब वाला नाम मत देना, नहीं तो फिर लड़ाई हो, है ना। तो नबी ने क्या कहा, हुमैरा दरवाजा खोलो, अम्मर ए बेटा तूठ भाई, क्या बोलिए, जा वो घर भेज रहे हैं, जा चले जा, अच्छा बच्चा जा। सुना दो भाई, इनको सुना दो। लोग कहता है कि दादा को पोता से मोहब्बत ही नहीं है, वो जाग के तकरीर सुनना चाह रहा, दादा बेचारा उसको सुनाना चाह रहा। माशाल्लाह। तो फरमाया हुमैरा दरवाजा खोलिए। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अपने नबी के हुस्न को, किसको? इसके अलावा आज मैं आपको कुछ भी नहीं सुनाने वाला, नबी का हुस्न सुनाऊंगा। क्या? मेरा नबी कितना खूबसूरत था, कितना हसीन था। दरवाजा खोला अम्मा ने, नबी अंदर आए, नबी आए, दरवाजा बंद किया, अम्मा ने फौरन आगे बढ़ करके कहा, मेरे आका जरा मुस्कुराइए। तो क्या कहा? नहीं बोलोगे तो पछताओगे, जरा मुस्कुराए तो, मुस्कुराइए। है किसी हिंदूपुर की बीवी में आज ये ताकत कि उसका शौहर बाहर से आए और कहे कि जरा मुस्कुराइए, दो हाथ खींच के देगा, हम मर के आए हैं और तुझे हंसी पड़ी है? 500 किलोमीटर कार चला के अभी उतरे हैं, कह रही हंसी है तो। इसी डर से बेचारी कभी बोलती ही नहीं, वरना वो अगर ये कहती कि हंसिए, और अल्लाह की कसम हिंदू कुर्बानो, अगर तुम हंस देते तो तुमको इस पर भी अल्लाह 10 नेकी दे देता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं 101% सही बात कह रहा हूं, जिससे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाएगी, मियां बीवी के ताल्लुकात पहाड़ के पत्थर जैसे मजबूत हो जाएंगे। ये फार्मूला मेरा ले लो, अपना लो, काम कर लो इसके ऊपर। फरमाया मेरे महबूब जरा मुस्कुराइए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये थी कि आप पूरा मुंह खोल करके आवाज से कभी भी हंसते नहीं थे, बल्कि हल्का सा तबस्सुम होता था, हल्का सा चेहरे पे तबस्सुम होता था, तो लगता था कि सारी दुनिया के फूलों का रंग निचोड़ कर किसी ने आमना के लगते जिगर के चेहरे पे डाला, इतनी खूबसूरती होती। मुस्कुराया आपने, तो ये जो सामने का दांत है ना, ये सामने का चौड़ा वाला दो दांत सबको रहता है ना, नबी के इस दोनों दांत के बीच में थोड़ा फासला था, गैप था। क्या था? ये शमाइल तिर्मिजी के अंदर लिखा है, गैप था। क्या था? और जब मेरे आका थोड़ा मुस्कुराते तो उस गैप से एक रोशनी निकलती थी अंदर से। क्या निकलती? रोशनी। अल्लाहु अकबर व कबीरा, अम्मा आयशा सिद्दीका कायनात की लईका, जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक की लखते जिगर कहती है, मेरे महबूब ने जब मुस्कुराया तो रब्बे काबा की कसम है, घर इतना रोशन हो गया, इतनी रोशनी हो गई कि मेरी सुई मिल गई। यहूदी के यहां एक बच्चा था, यहूदी का
एक बेटा था, देखो शबे कद्र है ये, क्या है ये? जबरदस्ती तो नहीं बैठे हो ना, अपनी खुशी से बैठे हो ना, मूड फ्रेश है ना, थके तो नहीं हो ना। मैं जुमा में एक घंटा बयान रोजे की हालत में करके आ रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले से पूछ लो, अभी खाना भी नहीं खाया मैं, बेंगलोर से अफ्तारी करके चला हूं और आपके साथ आकर के बैठा हूं, आपके साथ सहरी करूंगा मैं। क्या करूंगा? और यार मोहब्बत इसी को तो कहते हैं कि उसमें थकावट होती कहां है? प्यार में थकावट होती है? सारी रात घर के पीछे मोबाइल लेके नहीं खड़े हो जाते हो? मच्छर काटता है तो पता चलता है? जब मुअज्जिन साहब कहता है शेरी के लिए उठ जाइए तो तुम कहते हो अल्लाह रात कितनी छोटी हो गई, बात अभी बाकी है। हम गलत कह रहे हैं बच्चों, हमसे नहीं बच पाओगे तुम, हम तुम्हारे सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक को जानते हैं, समझ रहे हो? सारी रात मोहब्बत की बातें होती हैं, ना मच्छर का पता, ना खटमल का पता, ना कुत्ते का पता, किसी का नहीं। मस्जिद जाने के लिए रास्ते में कुत्ता बैठा रहता, तो बिल्कुल फ्रेश बैठे हो ना, है अपनी खुशी से बैठे हो ना, जबरदस्ती नहीं ना। हाँ, तो एक यहूदी ने अपने बच्चे से कहा बेटा मदीने के बाजार में जाकर के थोड़ा सौदा ले आओ, सब्जी वगैरह। क्या लाओ? सब्जी वगैरह लाओ। बेटे ने थैला पकड़ा, बाजार जाने लगा। छोटा सा बच्चा था, 8-9 साल का। कितने दिन का? 8-9 साल का सिर्फ। मजे में झूमता हुआ बाजार जा रहा है, अचानक रास्ते में नजर उठाया तो देखा कि एक आदमी आ रहा है, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि बच्चे ने जब देखा, देखता ही रहा, देखता ही रहा, देखता ही रहा। रात हो गई, उसे यही नहीं याद था कि हमारा बाप हमको सौदा लाने के लिए भेजा, सौदा भूल गया। किसको देख रहा था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो देखा तो देखता ही रह गया। रात हो गई, बाप परेशान है, बच्चा कहां चला गया? अरे सौदा न लाओ ठीक है, मगर मेरा बच्चा गया तो कहां गया? बाप रोने लगा खड़ा हो गया। और वो जो नबी के हुस्न को देखा तो देखता ही, मूड ही नहीं कर रहा था कहीं जाने का, बस देखता ही रहो। महबूब जब सामने आ जाए तो दिल करता है कुछ करने का? बोलो बोलो, नहीं ना। रात बहुत हो गई, जब बहुत रात हो गई, बूढ़े मियां बेचारा यहूदी दरवाजे के बाहर आकर बार बार रास्ता देखता, मेरे जिगर का टुकड़ा, गया तो कहां गया, गया तो कहां गया। अचानक देखा कि बच्चा आ रहा, मगर थैले में कुछ नहीं, मार्केट किया ही नहीं, थैला खाली है। आया तो कस के डांटा, अरे पागल, एक तो रात में आ रहा है और सौदा भी कुछ नहीं। उस मासूम से बच्चे ने कहा बाबा दुनिया का सबसे कीमती सौदा खरीद कर लाया, दुनिया का सबसे कीमती सौदा खरीद। अरे थैला खाली है, सौदा कहां? कहने लगा मेरे बाबा वो इतना कीमती सौदा है, वो इतना नाजुक सौदा है, वो इतना प्यारा सौदा है कि उसको देखने के लिए आंख की रोशनी बदलनी होगी। मेरे बाबा इस आग से वो सौदा नजर आने वाला नहीं, वो इतना खूबसूरत सौदा है, वो इतना कीमती सौदा है कि पूरी दुनिया देखकर खरीदी नहीं जा सकती। बेटा क्या लाया? कहा कि बाबा अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, मोहम्मद का गुलाम बनकर आ गया।
मोहम्मद का किसका मोहम्मद का गुलाम। अरे बोलो ना बाबा बोलो ना किसका जोर से बोलो गुलाम बन गया का कौन मोहम्मद का वही मोहम्मद जिसकी 24 घंटा आप बुराई खत्म करें। देखो थोड़ी भी अगर हरकत किए ये मजमा टूटेगा मैं बता दे रहा हूँ जो जहां है वहीं रहने दीजिए अल्लाह के वास्ते। अगर आप लोग पीछे के रास्ते से आ सकते हो तो ये देखो बाईं तरफ जगह खाली है पीछे के रास्ते से अगर आ सकते हैं नहीं पांव में पूरी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह तो खड़े रहिए कोई बात नहीं। वैसे लेफ्ट के साइड में जगह खाली है अगर पीछे के रास्ते से आ सकते हो तो आ जाइए। बहरहाल दुरूद शरीफ पढ़ लें अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो क्या कहा ए बेटे ओए टोपी वाला मुझे देखो इधर से क्या कहा कि अब्बा वह इतना कीमती सौदा है कि उसको देखने के लिए आपके आंख की रोशनी बदल दी। गंदे आंखों से अच्छी चीज नजर बोलो नजर। कुरान अगर देखना है तो ईमान वाले की आंख चाहिए किसकी बोलो किसकी सजदा अगर करना है तो ईमान वाली पेशानी चाहिए। ईमान नहीं सजदा नहीं ईमान नहीं कुरान नहीं। कहा बस मोहम्मद का गुलाम पर क्या आया हूं कहा कौन ए बच्चा तू भी जाएगा जाएगा कौन कौन जाना चाहता है यहां से जाना है उठ के चले जाता ऐसा नहीं करना बेटे आराम से बैठो नहीं जाकर के सोना चाहते हो सो जाओ बहरहाल वो कहने लगा कि बस वही मोहम्मद आप जिसके दुश्मन हो। और फिर उसके बाद क्या हुआ उठते बैठते सोते जागते या मोहम्मद 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 बच्चा है यहूदी का बच्चा है हर वक्त इश्क में दीवाना हो गया। और जानते हो फिर क्या किया उसने हर दिन असर के बाद अपने बाबा से इजाजत लेकर मस्जिद नबवी में जब मेरे आका मिंबर पर बैठते वो बच्चा पीछे बैठ करके बस ऐसे देखता था पलक भी नहीं मारता। मेरा नबी इतना खूबसूरत था क्या था खूबसूरत। अम्मा आयशा कहती हैं कि मेरा महबूब इतना खूबसूरत था कि मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा तो अपनी उंगली काटी क्या काटी अगर उन औरतों ने मेरे महबूब को देख लिया होता अपना जिगर काट लेती क्या काटती दिल काट लेती और पता भी ना चलता उसे। हर दिन असर की नमाज के बाद पहुंच जाता और नबी की मजलिस में किनारे बैठ करके कुछ नहीं बोलता खाली मेरे आका के चेहरे को देखा करता था बस और कुछ भी नहीं। हजरते साहबा इकराम रिज़वानुल्लाही ताला अलैहिम अजमईन कहते हैं लोगों तुम्हें क्या पता जब मुझे भूख लगती थी मैं अपने नबी का चेहरा देख लेता मेरी भूख खत्म हो जाती थी। एक मरतबा बीमार पड़ गया बच्चा बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया इतना ज्यादा कि अब तब में मरने के करीब आ गया बेहोश हो गया बिल्कुल बहुत बीमार पड़ा। इस बच्चे का यहूदी बाप भागा हुआ नबी की खिदमत में गया और कहने लगा मेरे महबूब मैं तो आपको मानता नहीं क्या कहा मैं आपको
मानता नहीं, मैं आपको जानता नहीं, मैं आपको पहचानता नहीं, मैं आपको सुनता नहीं, मैं आपकी मानता नहीं, मगर मेरा बच्चा आपका दीवाना था। क्या था? अरे बोलो ना, क्या था? दीवाना। हाँ, तो मैमन मस्जिद में था नहीं, मैं मरकज में, तो हर जुमे को एक नौजवान लड़का आता था और कहता था मौलाना बाबा से छुप करके आया हूं। क्यों रे? कहते हैं कि जब आपके यहां मैं जुमा पढ़ने आता हूं तो मेरा बाप मुझे मारता है। क्या करता है? पता नहीं कौन बाप है, अल्लाह बेहतर जाने। मैंने कहा यार एक आदमी मिला तो सही, देखे तो। फिर उसके बाद बहरहाल मुलाकात हुई, जो उनकी शिकायत थी वो शिकायत खत्म हुई, तो फिर बेटा के साथ बाप भी आने लगे। तो ऐसा होता है कभी कभी। कहने लगा कि मैं आपको मानता जानता पहचानता नहीं हूं, लेकिन मेरा बच्चा आपका दीवाना है और अब वो मरने वाला है। क्या है वो? मरने वाला है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो आखिरी मर्तबा चल करके मेरे बच्चे को अपना चेहरा दिखा दीजिए। क्या कीजिए? चेहरा दिखा दीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा में ऐलान फरमाया, अबू बकर खड़े हो जाओ, उमर खड़े हो जाओ, अली खड़े हो जाओ, उस्मान तैयार हो जाओ, मेरे साहबियो बिलाल खड़े हो जाओ, आज मैं तुम्हारी मुलाकात अपने यार से कराऊंगा। तमाम मेरे साहबा तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हारी मुलाकात ऐसे यार से कराऊंगा जिसने बात तो कभी नहीं किया मगर दीवाना है। बात कभी नहीं किया मगर, ओए होए, चारों खलीफा अबू बकर, उमर, अली, उस्मान, बिलाल, अबू हुरैरा, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अबू दर गफारी, अबू सईद खुदरी, हाँ सब के सब तैयार हो गए। कौन यार है नबी का, जरा देखे तो। मेरा महबूब आगे आगे चल रहा है, सहाबा पीछे पीछे चल रहे। ओ कौन किस्मत वाले का घर होगा, कौन मुकद्दर का सिकंदर होगा जिसके दरवाजे पर मेरे महबूब का कदम रुकने वाला है? कौन है वो नसीब वाला जिसको मेरे महबूब ने खुद नबूवत वाली जबान से अपना यार कहा? गए, अबू बकर ने पहचान लिया, जिस दरवाजे पर मेरे आका के कदम रुके थे वो यहूदी का घर था, किसी मुसलमान का नहीं था। फिर नबी ने फरमाया, दस्तक दिया, दरवाजा खुला तो सामने यहूदी था और अंदर रूम में वो मासूम बच्चा सोया हुआ बेहोश पड़ा था। क्या था? बेहोश था। नबी ने फरमाया, आओ सब, आओ सब। लोग आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस कमरे में पहुंचे, अचानक बच्चे की आंख खुल गई जो 7 दिन से आंख बंद करके बेहोश पड़ा हुआ था। क्या था? बोलो। तो आंख खुली कैसे? आंख खुली कैसे? फरमाया कि पैगंबर ने जैसे ही उसके घर में कदम रखा पूरा घर रोशन हो गया, और जब अचानक कोई 300 पावर का एलईडी लाइट जलाएगा तो आंख नहीं खुलेगी आपकी? अरे अंधेरे में सो रहे हो, अचानक कोई आकर के अगर लाइट जला दे तो आंख नहीं खुलती है? बोलो ना, नहीं खुलती है। फिर मेरा आका जब उस कमरे में गया तो वो पावर वाली लाइट जली कि अचानक उसकी आंख खुल गई। अल्लाह की कसम,
हदीस में लिखा है, बैहकी की रिवायत में बयान कर रहा हूं आपके सामने, लिखा है कि जब उस बच्चे की आंख खुली और आमना के दुर्रे यतीम के मुनव्वर चेहरे पे नजर पड़ी है, बच्चा मुस्कुराता हुआ उठकर बैठ गया और कहने लगा कि जिसकी मोहब्बत में मेरी ये हालत हुई वो महबूब खुद मेरे पास खड़ा है। तो खुशी की इंतहा होगी कोई? अरे बोलना, इंतहा होगी नहीं ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए और नबी का चेहरा मुस्कुराने लगा, बच्चा भी मुस्कुराने लगा। बार बार आंख बंद होती थी, फिर आंख खोला, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं बैठ गए। कैसे? अरे बोल, यूं बैठ गए और उस बच्चे का सर उठा करके अपने गोद में रख लिया। खुदा की कसम, अंदाजा लगाकर बताओ कि क्या दुनिया में उससे ज्यादा किस्मत वाला सर भी कोई होगा कि जो नबुव्वत के गोद में रखा हुआ। और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हथेली को बच्चे की पेशानी पे यूं रखा। दुनिया की कोई जबान मोहब्बत के इस अंदाज को जबान से बयान नहीं कर सकती, वो महसूस किया जा सकता है। जब आका ने गोद में उसका सर रखा और आंख से आंख टकराई, नबी की आंख से आंख टकराई, पैगंबर ने अपना हाथ पेशानी पे रखा और फरमाया कि बेटे पढ़ लो। क्या कहा? पढ़ लो। क्या पढ़ो? शर्म आ रही है या गुनाह होगा? जवाब दोगे तो अरे सब बोल दो ना यार आखिरी तक। कहने लगा बच्चा मेरे आका, अब तो आखिरी वक्त है, अब पढ़ के भी क्या फायदा? अब तो आखिरी वक्त है, अब पढ़ के भी। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे पढ़ना तेरा काम है, जन्नत देना मेरा काम है। कलमा तू पढ़ ले अल्लाह की अदालत में, जन्नत दिलवाना मेरा काम है। हदीस में आता है बंदे ने कलमा पढ़ा, कलमा अंदर गया रूह बाहर आई। नबी की गोद में सर रखे हुआ दुनिया से रुखसत हुआ, कलमा अंदर गया रूह बाहर आई, आंख बंद हो गई, होठ बंद हो गया। लोगों तुम दुनिया की कचड़ियों को देखते देखते मरोगे, वो कितना नसीब वाला है जो नबी को देखते देखते मरा। तुम नहीं चाहते हो कि हम मस्जिद की मिंबर को देखते देखते मरे? चलो आज के जमाने में न वो यहूदी बच्चा है न वो नबी है, लेकिन कम से कम हिंदूपुर के लोगों, मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं कि उस नबी का गुलाम उसका वारिस तो है ना, उलमा है ना, आलिम है ना। तो कम से कम इतनी ही दुआ मांगो कि अल्लाह मौत के वक्त कोई आलिम हो, मेरी आंख हो, मैं देखता रहूं और मैं दुनिया से चला जाऊं। आमीन तो कह लो। आमीन। तो मेरा अकीदा यह है, मेरा ईमान यह है, रब की कसम खाकर कह सकता हूं कि आलिम को देखते देखते भी अगर तुम्हारी आंख बंद हो गई, अल्लाह जरूर माफ कर देगा। कुरान देखते देखते अगर मर गए, अल्लाह माफ करेगा। उलमा को देखते देखते, और सुनो हदीस में आता है कि जो शख्स अपनी मां के चेहरे को, अपने बाप के चेहरे को आखिरी बार देख करके मर गया, फरमाया कि उसकी मग़फ़िरत पक्की है और जन्नत पक्की।
देख रहा हूं क्या है। और जिसने नबी को देखा और देखते देखते दुनिया से गया, कितने सेकंड का मुसलमान बना ये बोलो? अरे एक सेकंड भी हुआ, कलमा गया और रूह। तो अगर मेरे नबी ने ये कहा कि कलमा पढ़ ले, एक सेकंड के लिए भी अगर ईमान वाला रहा तो जन्नत की जमानत, तो क्या मेरा नबी हम लोगों को जन्नत नहीं दिलवाएगा? बोलो, उम्मीद नहीं है तुमको? है ना, मायूस मत होना, ना उम्मीद मत होना। समझ में आई बात? हाँ, एक सेकंड के मियां भाई को अगर जन्नत मिल सकती है तो अल्लाह हमें क्यों नहीं देगा? बस सिर्फ शिर्क बिदत से, नींबू मिर्च वगैरह से पाक होकर के रहना, समझ रहे हो? पीर बख्तियार वगैरह से, बाबा फखरुद्दीन वगैरह से जरा बच के रहना, समझ रहे हो? ताला गीला मत डालना कहीं जाके जाली वाली में, हैं? और बासी खुतबे को पीर बख्तियार के झाड़ को जाकर पप्पी मत लेना, नहीं तो मुसलमान नहीं रहोगे। जब मुसलमान नहीं रहोगे तो जन्नत का वादा कैसा है? ये जितना लारी के नीचे नींबू रखता है ना, सबको दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा। याद रखो अच्छी तरह इस बात को, ईमान नहीं रहता, ईमान चला जाता ऐसे अकीदों से। बहरहाल बच्चे का क्या हुआ? इंतकाल हो गया। अब यहूदी ने कहा, उसके बाबा ने, क्या कि मैं तो यहूदी हूं और ये बच्चा चूंके मुसलमान होकर के मरा है, लिहाजा अब इसका कफन दफन सारा काम आपके जिम्मे है, आप इसको लेकर चले जाएंगे। क्या कहा? लेकर चले जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पलंग पे डाला और फरमाया, अबू बकर, उमर, अली, उस्मान, मेरे यार को उठाओ। अल्लाहु अकबर, ये दुनिया की पहली मैयत है जिसको कांधे पर उठाने वाला चारों खलीफा है। आगे आगे इमामुल अंबिया जा रहे हैं और पीछे पीछे चारों खलीफा कांधे पे उठाए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, वो कांधा बदलने के लिए भी जब बारी आई तो इमामुल अंबिया का मुअज्जिन बिलाल गया। कितनी कीमती चीज है ईमान, समझ गए ना? यहूदी बन के अगर मरता तो ये मिलता? एक सेकंड का मुसलमान बना तो कितना मकाम बढ़ गया कि चारों खलीफा के कांधे पर उसकी मैयत जा रही है और मस्जिद नबवी के बाहर इसके जनाजे को रख करके ऐलान किया गया कि लोगों आओ, जनाजे की नमाज मैं मोहम्मद खुद पढ़ाऊंगा। उस मैयत का क्या कहना है मुसलमानों कि जिसके जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला सैयदुल अंबिया हो और नमाज जनाजा पढ़ने वाले असहाबे रसूलों? गुसल दिया गया। क्या दिया? नबी ने फरमाया कि सब हट जाओ, कोई भी ना आए। मेरा यार है ना, अपने यार को मैं अपने नबूवत वाले हाथों से गुसल दूंगा। नबी ने खुद गुसल दिया। बात आई कफन की, फरमाया कि मेरे यार को बाजार के कफन, मेरे यार को बाजार का कफन। आवाज लगाई, फरमाया, हुमैरा, वो मेरी चादर है जो मैंने अपने कफन के लिए रखा था, लाओ, उठा कर लाओ। आज मैयत मेरे यार की होगी और कफन मेरी चादर बनेगी।
इसीलिए मैं कहता हूं कि कलमे की हिफाजत करो, क्या करो, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह जब कह दिया ना तो यकीन रखो कि सब कुछ अल्लाह से होगा, किससे, हाँ ये गंडा भंडा ढंडा ढंडा से कुछ होने वाला, हाँ बस इनका जेब भरता रहे, समझ रहे हो, कलमा बस कलमा, क्या ओरिजिनल लेकर के जाओ, अल्लाह की कसम तुमसे बड़ा कोई अल्लाह की अदालत में हो ही नहीं सकता है, इतनी कीमती चीज कलमा है, मजबूत लबन के अंदर, क्या जानते, अरे ये वो कोई कलमा हुआ, ये भी कोई ईमान है कि बिल्ली गुजर गई तो सफर छोड़ दो, तोबा 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 तोबा, सांप निकल गया तो गाड़ी रिवर्स कर दो, तोबा करो, इस्तफार करो, कलमा पढ़ो, बहुत बड़ी नेमत है कलमा। खैर जनाजा हो गया, कफन हो गया, अब लेकर के चलो कब्रिस्तान पहुंचे, कहां, जन्नतुल बकी में, कहा जन्नतुल बकी में, फरमाया के लोगों फातिमा हसन और हुसैन के बगल में इसकी कब्र बनाओ, कहा, और जब कब्र तैयार हो गई तो अब मैयत को उतारने के लिए भी तो किसी को उतरना है ना, तो मेरे आका ने फरमाया यार मेरा है, मेरे गोद में दे दो, मैं इसकी मैयत को खुद अपने हाथ से उतारूंगा, किसे, आए काश के हम ही होते उसकी जगह पर, इतना मजा आ जाता है, दुनिया के झमेले से बच तो जाते हैं, नबी की चादर मिलती, नबी का हाथ मिलता, नबी का गोद मिलता, नबी अपने हाथ से उतार करके, अरे बोलना, लग रहा है थक गए हो, खत्म करें तकरीर, नहीं नहीं नहीं, ऐसे सुनोगे तो मजा नहीं आए, बहुत मजा है, थके तो नहीं हो, ईमानदारी की बात, अभी तो दो ही बजा है, कितना बजा है, आप लोग तो माशाल्लाह 4-5 बजे तक सुनने वाले हो इंशाल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको किसी बूढ़ी औरत ने हदिया में एक रुमाल दिया, क्या दिया, वो रुमाल कैसा था मालूम, लाल रुमाल था, और उसमें जो है ना पतला पतला काला और वाइट धागा का डिजाइन बना हुआ, काले धागे का डिजाइन बना हुआ था, तो एक बूढ़ी औरत ने लाकर नबी को जुमेरात के दिन हदिये में दिया और साथ में कहा मेरे आका जब कल जुमा पढ़ाओगे ना तो मेरे इस रुमाल को अपने सर पे बांध करके पढ़ाइएगा, मेरा शौक ये है, मेरा अरमान ये, कोई बात नहीं, जुमा का दिन हुआ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधा अपने सर के ऊपर, कैसे बांधा मुझे पता नहीं है, मगर मुझे इस तरह बांधना अच्छा लगता है, मुझे ये बहुत पसंद है, और मैं समझता हूं कि जब रुमाल था तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गालिबन इसी तरह बांधा हो, तो नबी के चेहरे पे जब नबी ने सर पे बांधा और मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठे जुमा का खुतबा देने के लिए, तो सहाबी कहते हैं इतने खूबसूरत लग रहे थे कि दिल कर रहा था कि बस देखता ही रहूं, न दिन गुजरे न रात आए, महबूब को देखूं तो देखता ही रह जाऊं, नबी है, बेटा तुम क्यों आ खड़े हो, जगह नहीं मिल रही है, और ये कौन है हमले से लग करके, बैठो, तो कहते हैं कि बेपनाह खूबसूरत लग रहे थे आका सदा से, और जब नबूवत के चेहरे पे नया रुमाल हो और वो भी लाल हो और उसमें काली धारी और सफेद धारी
तो कितना खूबसूरत लग रहा होगा। देखो इस काले रुमाल में व्हाइट धारी कितना अच्छा लग रहा है। नहीं चाहिए आपको? किसको चाहिए हाथ उठाओ, ये रुमाल किसको चाहिए? आप लोगों को नहीं चाहिए हैं? अच्छा हम देंगे इंशाल्लाह, सबको देंगे, घबराऊं। ₹25,000 में ये रुमाल बिकेगा। कितने में? और अभी बिकेगा कब? सौदा हैंड टू हैंड, उधार नहीं कैश। ₹25,000 में ये रुमाल बिकेगा। अब बताओ कौन खरीदेगा? आओ यार आ जाओ। ये है माई का लाल शेर। कौन है ये? अरे बोल भाई, ये माई का लाल शेर। और अगर कोई इतने बड़े मजमे में शेर पे सवा शेर बैठा है तो हाथ उठा के कहे ₹30,000। बैठ जाओ शेर, यहीं बैठो, ऊपर 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 ना ऊपर बैठो। आपने मौलवी की कदर की है, आपने आलिम की अहमियत को समझा, उसके सर के ताज की कीमत आपने 25,000 लगाई है। आप कदर के लायक हैं, आप इज्जत के लायक हैं। आप बोलो इस शेर पे कोई सवा शेर है? है कोई? इस शेर पे कोई सवा शेर है? बहुत हाथ उठे थे, कहां गए सब हाथ? हैं? कहां चले गए भाई? सारे हाथ नीचे आ गए हैं? कौन है भाई? 30,000। बस शेर ही है, सवा शेर है ही नहीं। खैर अल्लाह पैदा कर दे। एक मर्तबा लैला के दरवाजे पर 2,500-3,000 मजनू पहुंच गए। कितना? और उसमें एक ओरिजिनल मजनू भी था। कौन था ओरिजिनल? लैला ने ऊपर से अपनी नौकरानी को कहा कि जरा देखो मेरा मजनू अब तक आया है या नहीं। लैला की नौकरानी नीचे आकर कहने लगी, भाई इतने बड़े मजने में मजनू कौन है? सब हाथ उठा के कहने लगा, हम है। सब हाथ उठा। नौकरानी परेशान हो गया, अल्लाह मजनू तो एक है, हाथ सब उठा रहा। भागी भागी ऊपर गई, कहा मिस्टर लैला इतने मजनू तुम्हारे? कहने लगे, अच्छा कितने हैं? कहा कि 2,500-3,000 लोग कह रहे हैं हम मजनू हैं। तो लैला ने कहा कोई बात नहीं। बर्तन दिया, क्या दिया? और उसमें एक चाकू रखा और कहा कि अब जाओ ऐलान करो कि लैला को दिल के करीब का गोश्त बहुत पसंद है। जो लैला का मजनू है वो अपने दिल के करीब का गोश्त काट करके दे। लैला ने मांगा। किसने? अब सारे मजनू इल्म 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 हाथ लगे सर। और एक जो ओरिजिनल था कोने में बैठा हुआ, सीना खोल कर आया, यूं कपड़ा खोला, पटन खोला, नौकरानी से कहा कि सीना नहीं, जिस्म के जिस हिस्से का भी गोश्त चाहती है मेरी लैला के लिए ले ले। कितने हाथ उठे थे साहब? सारे हाथ डुप्लीकेट थे या नहीं? ओरिजिनल एक हाथ था। क्या था वो? उठा और आया। और एक आलिम ने जिसको अपने सर का ताज बनाकर आज भी जुमे का खुतबा दिया। क्या दिया? यकीनन तुम्हारे नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं, कोई अहमियत नहीं। लेकिन मैं कहता हूं जिसने इसकी अहमियत को जाना उसने पैसे को जमीन के नीचे रखकर अपने पांव से खुदला और उसने कहा कि 25,000 रुपया मेरी जूती के नोक पर एक मौलवी के सर का ताज अगर मेरे घर में आ गया, मेरे घर की खैर बरकत के लिए अल्लाह की अदालत में इस मोहब्बत को पेश कर देंगे, शायद अल्लाह मेरी मगफिरत कर देगा। क्या अल्लाह नहीं देख रहा कि मेरे नबी के वारिस से मोहब्बत का यह आलम है
कि 100-300 रुपए के रुमाल को 25,000 में खरीदने के लिए कोई बैठा है? तो शेर तो आ गया, सवा शेर नहीं, और है कोई तो खड़ा हो जाए। 10 मिनट का टाइम देता हूं, अभी तकरीर हुई कहां, अभी तो शुरू भी नहीं हुई तकरीर, अब होगी तकरीर असल जो मैं करना चाह रहा हूं। है कोई सवा शेर? नहीं। लाइए आप पैसा लाइए और तकरीर के बाद ये रुमाल आपके हवाले। 10 मिनट में, चलिए 10 मिनट में मंगवा लीजिए, हैं? इंशाल्लाह आखिर में ये रुमाल में जाते जाते, एक बात याद रखो, मेरी बीवी ने एक मरतबा मांगा था कि ये रुमाल बहुत खूबसूरत लग रहा है, मैं नकाब के ऊपर इसको क्या करूंगी? मैंने कहा तेरा मुंह मसूर की दाल, ये रुमाल अब तेरा निकाब पागल हो गई क्या, बाजार से ला कर दे। तो मेरी बीवी ने भी मांगा तो मैंने इसे, ये मेरी अजमत का पहचान है, ये मेरी शान है, क्या ये? हाँ, जब मैं इस तरह बांध कर सफर में निकलता हूं, अल्लाह की कसम, फ्लाइट के अंदर, जहाज के अंदर भी एयर होस्टेस जो होती है ना, वो भी सर को झुका करके मुझे कहती है थैंक यू सर। ये इसकी बात, इसकी बात है, किसकी है ये? हाँ, इसको बांधने के बाद लगता है कि कोई मर्द आ रहा है। मैं अपनी बातें नहीं कर रहा, आप भी बांध के चलोगे ना रोड पे, तो आपको भी देख करके कुफ्र के कलेजे पे चाकू चल जाता है। ये शान है इस्लाम की, क्या ये? और मैं सिर्फ अल्लाह के घर के लिए हमेशा इससे समझौता किया है। न जाने कितने रुमाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर के लिए पूरे हिंदुस्तान में मैंने बेचा। अभी रमजान से पहले झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में, हर जगह मैंने इसकी तिजारत की है अल्लाह के घर की। इसके लिए अपनी जात के लिए मुझे नहीं, खुदा के घर के। और जिसने समझा, 1.5 लाख रुपए में खरीदा मौलाना रुमाल को, झगड़े हो गए, सदर कह रहा मैं लूंगा, सिक्रेटरी कह रहा मैं लूंगा। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये मुकद्दर का धनी है और सिकंदर है ये अपने वक्त का, कि इसने एक आलिम को पहचाना और उसने इस अजमत को, इस रुमाल की अजमत को पहचाना है। मैं इसको सलाम करता हूं, इसका अदब करता हूं। अल्लाह ताला इसकी बरकत से इसकी नस्ल में हमसे करोड़ों गुना अच्छा आलिम पैदा फरमा, करोड़ों गुना हमसे बेहतर आलिम, ताकि ये अपने बच्चे को ये रुमाल ये कहते हुए दे कि एक मौलवी था जो दुनिया से चला गया है, उसका दिया हुआ रुमाल बेटा तू भी इस्तेमाल कर। समझने वालों के लिए बहुत बड़ी चीज है, जो ना समझे उसके लिए, अरे बोलना खुशी। बहरहाल मेरे आका ऐसा ही रुमाल पहन करके खुतबा दे रहे थे जुमे का, इसका, और बड़े खूबसूरत लग रहे थे। दूर एकदम लास्ट में एक करिए का बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जैसे कि हिंदूपुर की इब्तिदा से लेकर आज तक पिनगुंडा के करीब एक करिया है, वहां का एक करिए वाला दीवाना है मेरा, पागल है मेरा, मजनू है वो, कहीं भी बयान करो हिंदूपुर में, कहीं भी रहो, ये जरूर पहुंच जाता है। उठ जाइए, खड़े होइए, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखो ये पिनगुंडा के करीब एक गांव है, पूरे 14 साल में एक जुमा इस बंदे ने नहीं छोड़ा, और कहीं भी प्रोग्राम हो हिंदूपुर में ये जरूर होगा। अल्लाह ताला अहले इल्म की मोहब्बत के बदले इसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अजीब अकीदत मोहब्बत अजीब चीज हुआ करती, तो देहाती था और बिल्कुल इसी तरीके से, इसी बंदे की तरह, ये जब भी जुमा को आते तो कभी इमली, कभी मूंगफली, कभी कुछ, कभी कुछ, चुपचाप मस्जिद के ऊपर वाले रूम में ला करके दे देता, हजरत ये मेरे खेत का है, हजरत ये मेरे बाग का। तो ऐसा ही एक देहाती था जो खेत से पालक का साग, कुथमीर का पत्ता, हैं, आलू, सब्जी ला करके नबी को जुमे के दिन हदिये में देता था, या रसूल अल्लाह मेरे खेत, हेलो,
हदिया देता था या रसूल अल्लाह, कद्दू, कद्दू होती है ना, कद्दू को कांधे पे डाल करके देहाती आ जाता। एक कहां जा रहा है, मदीना जा रहा हूं जुम्मा पढ़ने के लिए, ये कद्दू कहां आमना के लगते जिगर को हदिया में देंगे, उनको कद्दू बहुत पसंद है। तो एक देहाती जुम्मा पढ़ने आता था, एकदम पीछे बैठा हुआ, एकदम पीछे, वो गौर से देख रहा था, क्या नबी के रुमाल को खूब गौर से देख रहा था। कहना है खूब गौर से देख रहा था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई उस देहाती के ऊपर, किस पे, नबी ने भी देखना शुरू किया। नबी देख रहे थे कि ये देख क्या रहा है, तो नबी ने ऑब्जर्व किया कि मेरा चेहरा तो ये नहीं देख रहा है, बल्कि क्या देख रहा है ये, मेरा। अब कंटिन्यू नमाज हो गई, आका ने फरमाया सहाबा को जरा हटो साइड, और वो जो पीछे खड़ा हुआ उसको बुलाकर यहां लाओ। उसको बुलाकर यहां लाओ। खैर वो बेचारा देहाती डरने लगा, या अल्लाह क्यों बुला रहे हैं, क्या बात हो गई। करीब आया, आकर खड़ा हो गया, कहने लगा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई ये बता, तू मेरे पूरे खुतबे के दरमियान चेहरा तो मेरा देखा नहीं, मगर तू बार बार मेरे रुमाल को क्यों देख रहा था। और सहाबा खड़े हैं, बगल में हजरत उमर खड़े थे, उसके बगल में हजरत अबू बकर खड़े थे, वो देहात का था ना, बर्जस्ता कहने लगा कि मुझे आपका रुमाल बहुत पसंद आ गया, बहुत अच्छा लगा। नबी ने यूं हाथ डाला, फरमाया लेगा, हाँ बिल्कुल, ये जो कहा बिल्कुल, पर हजरत उमर ने पीछे से एक हाथ, तेरी मां मरे। पहली बार तो नबी ने नया रुमाल चेहरे पे रखा, सर पे बांधा, और इतने खूबसूरत लग रहा, इसे चाहिए। फौरन उसकी जबान से शिकवा हो गया, या रसूल अल्लाह देखिए ना उमर मार। अल्लाह के नबी ने यूं उमर को देखा, कहा या उमर ला तजरी, खबरदार, तेरा रुमाल है क्या, नहीं, किसका है, मेरा है ना, हाँ क्यों मारा, मैं जानू, मेरा यार जाने, तू बीच में क्यों आ रहा। नबी ने पूछा क्या आपके पास रुमाल नहीं है, क्या है? है? क्या चाहिए बोलो, पेशाब जाना है क्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ भाई, वरना सुबह में उठाना पड़ेगा दरी को धोने के लिए। आओ चलो, तुझे भी जाना है, हम चल तू भी चल, और तुझे भी चल, तुझे भी आओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे बच्चे जाओ और सैलाब आ जाएगा, एक ही बार सब पेशाब कर दो ताकि बुकरी पेट बह जाए। आ जाओ शाबाश, और है कोई, चलिए अब जो जो उठ गए उनकी जगह कैप्चर करो, सब सामने आओ, अब वो आकर के जहां चाहे बैठे, जहां चाहे उठे, आ जाओ बेटा, आपको भी जाना है, अब आप लोग को नहीं जाना है ना, जाना है, हाँ नहीं जाना, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाओ, ये बच्चा जो सोया इसको उठा दीजिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सामने आ जाओ सामने आ जाओ, बस आराम से बैठो। अरे बेटा तुझे भी जाना है, तो फिर क्यों घिसका रहा है इसको, तुझे जाना है, चलो जाना है तो जाओ, हाँ चलो नहीं जाना है इंशाअल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ ले, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। अल्लाह हू अकबर, बहुत रात हो गई,
मुख्तसर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, हुस्ने नबी और सूरत नबी और पैगंबर की खूबसूरती को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मेरा नबी कितना हसीन था, कितना खूबसूरत था। तो नबी ने पूछा, तेरे पास चादर नहीं है? कहा, या रसूल अल्लाह मेरा लूम चलता है। क्या चलता है? बुलाना है किसी को तो? अच्छा, भेज जाते, आप बैठ जाए, बच्चे का अब्बा बैठेगा तब ना बच्चा बैठेगा। माशाल्लाह, अच्छे लोग हैं। तो कहा, मेरे यहां तो चादर की फैक्ट्री है। कहा, फिर क्या बात है? कहा, या रसूल अल्लाह बस चाहिए। नबी ने यूं उतारा और उस देहाती को बोलो भाई दे दिया। उमर दूर खड़े हुए गुस्से में लाल पीले हो रहे। अबू बकर में वो तो नरम थे, ठंडे थे वो। हजरत अबू बकर मुस्कुरा रहे, उमर को गुस्सा आ रहा, तू निकल आज बाहर, निकल, यहां पर कुछ नहीं कहूंगा, बेटे बाहर चल, तू देख क्या करता हूं। देहाती आदमी से नबी ने पूछा, अच्छा चल अब तो ले लिया, अब तो बता कि आखिर ऐसी क्या बात है जो तुझे रुमाल के ऊपर दिल आ गया, तू दीवाना हो गया। जवाब सुन, हाय हाय, आगे बेटे इसने करके आ गए, वाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये आपकी कौम के, हमारी कौम के मुस्तकबिल हैं, इनकी हिफाजत करनी पड़ेगी आपको, समझ रहे हैं ना? इसी में कोई आलिम होगा, कोई हाफिज होगा, हम कहा, हम तो मरेंगे, आप भी मरोगे, तो आपकी औलाद को, आपके पोता नवासा को यही लोग ने संभालेगा, कौन संभालेगा? मैं तो अपनी आदत से चूंकि मजबूर हूं, इसलिए जरा डांट डपट करता हूं बच्चों को, उठ बैठ मत करो, वरना ये तो हमारी अमानत है कौम की। क्या ये कौम की अमानत है? तो नबी ने कहा कि अब तो दे दिए, अब तो बोल, क्यों लिया? अल्लाह अकबर और कबीरा कहने लगा इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये चादर इसलिए लिया, कोई मैं गरीब तो नहीं, मैं फकीर तो नहीं, मैं मुहताज तो नहीं, मेरी कंपनी चलती है, मेरे आका ये चादर मैंने इसलिए लिया है कि मैं अपनी बीवी को दूंगा और उसको नसीहत करूंगा कि जब मेरी मौत आ जाए तो बादाम का कफन ना देना, इसी चादर में मुझे दफन करना। मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरज़ू ये है, मेरा शौक ये है, मेरा अरमान ये है कि मैयत मेरी हो, कफन में चादर नबी की हो। क्यों? नबी ने कहा, क्यों, क्या बात है, मेरी चादर का कफन क्यों चाहते हो? वो देहाती कहने लगा, मेरे आका यही मस्जिद थी और यही जुमे का बयान था, आपने एक जुमे में कहा था जो कपड़ा मेरे बदन को लग जाए जहन्नम की आग उसको जलाती नहीं। मेरे महबूब, मेरे अमल पे कोई गारंटी नहीं, अल्लाह मियां माफ करे ना करे, लेकिन जब आपकी चादर होगी तो जहन्नम की आग से बचूंगा। बात पे बात आ रही है और बात खुलती जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी बात को खत्म करना चाहता हूं। आप इजाजत देते, हजरत अनस का एक वाकया छोटा सा आपको सुना दे, वरना दिल तो चाहता है बस अजान तक बैठा ही रहो। आपका भी दिल चाह रहा है? पक्का सेरी नहीं, नहीं, नहीं। ओहो, हजरत अनस एक सहाबी, चंद सहाबा की उन्होंने दावत किया,
दावत के लिए सहाबा आ गए, दस्तरखान बिछाया तो दस्तरखान गंदा, क्या एकदम गंदा काला बना हुआ था। सहाबा कहने लगे अनस यार अजीब आदमी हो, इतना गंदा दस्तरखान। अच्छा गंदा है, कहां? यो उठाया दस्तरखान और बाजू में तंदूर जल रहा था जिसमें रोटी बनती है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, चूल्हा है, चूल्हा तो वो हुआ जो अय्यूब पकाती जोड़ता लेता है, हाँ भट्टी चूल्हा उसे बोलते हैं जो पकाती लोग जो है ना टोपी डालने के लिए जोड़ता है, हाँ ईटे पर ईटा ईटे पर ईटा उसे चूल्हा बोलते हैं, वो तंदूर है, वो क्या है तंदूर, उसमें रोटी बनती है। तो बाजू में तंदूर जल रहा था, आग भड़क रही थी, हजरत अनस गए और उस दस्तरखान को ले जाकर तंदूर में फेंक दिया। सहाबा समझे कि अनस गुस्से में दस्तरखान को क्या किया। थोड़ी देर के बाद हजरत अनस ने हाय 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 एक लोहा का सरिया उसमें डाला और दस्तरखान को यूं निकाला तो बिल्कुल साफ हो गया था। क्या हो गया था? कपड़ा जला? अरे बोल, जला। हालांकि आग में कपड़ा रखा तो जलना था ना, लेकिन वो जला नहीं। हजरते साहबा परेशान हो गए, अनस ये कौन सा कपड़ा है, किस मुल्क से लाया है, किस कंपनी का कपड़ा है जिसे आग जलाती नहीं। कहने लगे हजरत अनस क्या बताओ, साहबा कहने लगे मुझे भी कंपनी का नाम बताओ, मुझे भी बाजार का नाम बताओ, मुझे भी शहर का नाम बताओ, मैं भी दस्तरखान लाऊंगा, ऐसा दस्तरखान जिसे आग में डालो गंदगी जल जाए कपड़ा ना जले। हजरत अनस कहने लगे नहीं नहीं बिल्कुल कमरे का कपड़ा है, बात असल ये है जिस तरह आज तुम आए हो इसी तरह मेरे घर में आमना का लगते जिगर मेहमान आया था। और खाने से फारिग होकर उस आमना के दुर्रे यतीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कपड़े में अपना हाथ पोछा था। क्या किया था? कहने लगे अनस वो दिन था और आज का दिन है कि जब जब गंदा हो जाता है आग में डाल देता हूं, आग मैल को तो जला देती है मगर कपड़े को नहीं जलाती। किसे बात समझ रहे हो? कितनी छोटी छोटी बात कह रहा हूं मैंने, तो देहाती ने क्या कहा कि मेरे आमाल का ठिकाना नहीं जन्नत मिले या जहन्नम, लेकिन जब आपका रुमाल मेरा कफन होगा तो चैलेंज है कि जहन्नम की आग नहीं जला सकती जन्नत पक्की। उमर कहने लगे अल्लाहु अकबर, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई, मैंने चादर मांग लिया हो। हजरत फातिमा एक मरतबा रोटी बना रही है बैठी हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक आ गए, समझे, कहा बेटी एक रोटी मैं भी बनाऊ, अब्बू जान बनाइए, कहा अच्छी बात है। आटा उठाया तावे पे रख दिया, हजरत फातिमा जितना रोटी बना रही है बन रही है बन रही है बन रही है बन रही है, अल्लाह के नबी ने जो रोटी रखा है ना, घंटा दो घंटा गुजर गया या अल्लाह बनने को तैयार ही नहीं, रोटी बन ही नहीं रही है, जैसे आटा रखा वैसे का वैसे। अल्लाह के नबी कभी रोटी को देखते कभी फातिमा का चेहरा देखते, क्या सोच रही है बेटी, और मुस्कुराते
थोड़ी देर के बाद हजरत फातिमा ने कहा अब्बा कैसा आपने डाला है, घंटा से ज्यादा हो गया, कितनी लकड़ी जल गई अब तक रोटी बनी नहीं। मेरे नबी ने फरमाया बेटी नबी का हाथ जो लग गया है उसे आग कैसे पका सकती है, जिंदगी खत्म हो सकती है मगर रोटी, क्योंकि आग को परमिशन नहीं। बहरहाल मेरे मोहतरम, मैं आपको वहां से गेर बदल के यहां तक लाया कि नबी ने फरमाया ये दीवाना मेरा है, कब्र में मैं उतरूंगा, मैयत मेरे गोद में होगी और कब्र में मैं रखूंगा, ताकि कयामत के दिन ये बच्चा फखर से कह सके ए अल्लाह आपके नबी ने लाडले पैगंबर ने मेरे जनाजे को कब्र में उतारा है, मेरी मगफिरत फरमाई। और जानते हो यहां खत्म सेरी कितने बजे? 4:52 पे खत्म है क्या? अभी तो बहुत टाइम है, 1.5 घंटा टाइम है। कितना? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र में उतरे हैं तो पूरा पांव ऐसे नहीं रखा, पूरा पांव ऐसे, बल्कि ये पंजा है नहीं, तो कब्र में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजे पे खड़े थे। किस पे? पंजे पे खड़े थे, पूरा पांव रख करके नहीं, और पंजे पे खड़े होकर के चल रहे हैं कब्र में। जब मैयत को रखा गया, दफन कफन सब कुछ हो गया, तो सहाबा इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह हर बात समझ में आई मगर ये बात समझ में नहीं आई कि आप कब्र में पूरा पांव रखकर क्यों नहीं खड़े हुए थे, पंजे पे क्यों खड़े थे आप, ये बात समझ में नहीं आई। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया मेरे सहाबियों मेरे यारो मैं क्या बताऊं कि इस बच्चे की मैयत को कब्र में उतारने के लिए आसमान से नूरी फरिश्तों की जमात आ गई थी। पूरी की पूरी कब्र फरिश्तों से भरी थी, मुझे पूरा पांव रखने का जगह ना मिला। इसीलिए मैं पांव को खड़ा कर रहा था और जन्नत की हूरे आकर मेरे जिस्म को धक्के लगा रही थी। फरिश्ते अलग कह रहे थे कि इस मैयत को मैं कब्र में उतारूंगा और जन्नत की हूरे आपस में लड़ रही थी कि इसको मैं अपना शौहर बनाऊंगा, कोई हाथ ना लगा। कहते हैं कि जब जन्नत की हूरें आपस में लड़ रही थी तो मेरे बदन पे गिर रही थी बार बार और मैं समन समन करके खड़ा हो रहा। ये नतीजा क्यों हुआ बोलो? इतना नसीब कैसे बन गया इसका? नबी के हुस्न को देखकर। किसको देखकर? नबी के हुस्न को देखकर जो दीवाना बना तो फिर आखिरी वक्त तक दीवाना बने का बना रह गया। ये कशिश थी इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की जादूगरी थी कि जिसको देखकर दीवाना बना और यहां तक पहुंच गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं समझता हूं कि शायद मैं आपको थोड़ा ना थोड़ा समझाने में कामयाब हुआ हूं। हुआ? अब फिर अगला प्रोग्राम 25वीं ताक रात है जो नूरानी मस्जिद में। कहा? नूरानी। मैं आपसे वादा करता हूं आप सब लोग वहां आना, मैं यहीं से बात को शुरू करूंगा वहां। कहां से? और नबी के हुस्न का अभी मैंने आपको 4 आना भी नहीं बताया है। कितना? 25 पैसा, 75 पैसा अभी बाकी है। सुन लो, अगर आप आशिक हो मोहम्मद अरबी के दीवाने हो तो यहां से आगे की बात सुनने के लिए, आगे का तस्करा सुनने के लिए 25वीं ताक रात धर्मपुर नूरानी मस्जिद में जरूर आइएगा। ये बात
मैं इसलिए आज कह रहा हूं, नहीं कहता कि हिंदूपुर की बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जिनके इमामों से खतीबों से मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं कि हर जलसे प्रोग्राम का ऐलान होता है, लेकिन अक्सर मसाजिद के अंदर मेरे नाम का ऐलान नहीं किया जाता। अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उनको बेहतरीन बदला दे। मैं नहीं जानता कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। हर का ऐलान, हर का, हर मसाजिद का ऐलान होता है, लेकिन बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो मेरे जलसे का, मेरे प्रोग्राम का ऐलान वेलान नहीं करते हैं। खैर, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन बदला दे, और पता नहीं उनको मुझसे क्या तकलीफ है, क्या शिकायत है, वो खुदा जाने। हर महल्ले से फोन जाता है, हर महल्ले से, अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज भी दुनिया का फोन आ रहा है, मौलाना आपका प्रोग्राम नहीं है क्या, भाई किस महल्ले में हो तुम, फलाने महल्ले में, मस्जिद में ऐलान नहीं हुआ, नहीं ऐलान नहीं हुआ। यहां आकर के जिम्मेदार से पूछो तो कहते हैं सारी मस्जिद को ऐलान हमने भेज दिया है, वो उनकी मर्जी है, अल्लाह बेहतर जाने, मुझे उससे कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। अल्लाह उनको खुश रखे। बस मैं तो इतना जानता हूं कि मेरे दिल से उनके लिए हमेशा दुआ निकलती है। ये अलग बात है कि मैं शहर छोड़कर चला गया, फिर भी मेरा पीछा कुछ लोगों ने छोड़ा नहीं आज तक। अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उनको बेहतरीन बदला दे, सेहत, तंदुरुस्ती, कुव्वत, ताकत अल्लाह सब कुछ अता फरमाए। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, 25वीं तारीख के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, वो आखिरी प्रोग्राम होगा हिंदूपुर का मेरा, समझ रहे हो बात को, इंशाल्लाह जल्दी शुरू करेंगे वहां। कब शुरू करेंगे? जल्दी शुरू करेंगे, और देर तक बयान चलेगा। तो बहरहाल मैं आज जो आया हूं, ये रफीक मस्जिद की तरफ से आया हूं। किसकी? मस्जिद रफीक, मस्जिद रफीक, जानते हैं आप लोग रफीक के माने क्या आते हैं? दोस्त। रफीक माने दोस्त। तो आप मस्जिद के दोस्त हो या दुश्मन हो? दोस्त हो ना। तो दोस्त दोस्त से जब कुर्बानी मांगता है तो दिया जाता है, क्या करते हैं? कुर्बानी मांगे तो दिया जाता है। इस मस्जिद का तकरीबन काम हो चुका है, लेकिन ऊपर के हिस्से का काम, छत का काम, किसका? छत का काम गालिबन बाकी है। उसका टोटल खर्च क्या है? ये तरीका है तुम्हारे चंदे का, ये लो। हाँ, तकरीबन 6 लाख रुपया है। कितना? और देखो कहीं ऐसा ना हो कि चंदे का नाम सुन करके आप चले जाओ उठ करके, आप चंदा मत दो, मुझे मंजूर है, लेकिन दुआ के बगैर जाना ये बेवकूफी है। दुआ जो है ना, ये मगज होता है, खुलासा होता है। शाम से अब तक इशा के बाद से जो आप बैठे इबादत कर रहे हो, दीन की बात सुन रहे हो, तो ये आपका काम है। दुआ उसकी मजदूरी है। तो कोई काम करने वाला अगर मजदूरी छोड़ दे तो वो तो पागल ही होगा ना। तो आप लोग मजदूरी दे के लेके जाओगे या छोड़ के? लेके जाना है, समझ में आई बात? तो तकरीबन 6-7 लाख का काम है। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह ने इस शहर को इतना दिया है कि एक बंदा खड़ा होकर कह सकता है मौलाना ये ऐलान मत करो, छत मैं डलवा दूंगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके लिए 8 लाख 10 लाख रुपया हाथ का मैल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं ऐसों के दरवाजे पे नहीं, बल्कि गरीब हो लेकिन दिल वाला हो,